गाय की सेवा कर जीवन जाए समर। गाय की सेवा कर जीवन जाए समर, सुख समृद्धि घर घर। जय श्री राम साथियों, आज था संडे और आज हमने प्लानिंग बनाई कि आज हम चलते हैं गौ माता को चारा खिलाने के लिए। तो हम पहुंच गए रोडवेज, रोडवेज की तरफ गौ माता के लिए चारा मिलता है। देख सकते हैं आप लोग, एक चारा पीछे दिखेगा आपको, बहुत सारी चरी दिखेगी। तो हमने गौ माता एंड नंदी बाबा खिलाने के लिए चारा लिया। विवेक भाई देख सकते हैं पीछे चारा लेते हुए दिखेंगे आपको। और ये नगर प्रमुख जी आ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद गौर रक्षा विभाग के, और पीछे हमारे गौरव भैया आ रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, जय श्री राम के नारे लगाते हुए आ रहे हैं। जय श्री राम साथियों, आज विश्व हिंदू परिषद की टीम पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी मोदी मैदान के जस्ट बगल में। और हमारे साथ देख सकते हैं यहां पर गौ सेवा चल रही है। और मैं यश चौहान, गौ विज्ञान परीक्षा प्रमुख, और हमारे साथ नगर प्रमुख भी आए हुए हैं और लोग आए हुए हैं जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। और देख सकते हैं आज गौ सेवा चल रही है। हम लोग अभी जाकर गौ माता के लिए कुछ, जैसे बोलते हैं हिंदी में, चरूरी लेके आए हैं। देख सकते हैं आप लोग, गौ सेवा चल रही है। आज संडे का दिन था तो हमारी टीम ने पूरी प्लानिंग बनाई थी कि हम लोग जाएं और कुछ गौ सेवा आज आगे करें। और कुछ रिफ्लेक्ट बेल्ट जो है हमारी टीम की द्वारा बांधी जा रही है, देख सकते हैं आप लोग। इधर हमारी टीम पूरी खड़ी हुई है, ये नंदी बाबा भी आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। जय श्री राम, 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 जय गो माता की। नगर प्रमुख जी आप लोग देख सकते हैं बेल्ट बांधते हुए, रिफ्लेक्ट बेल्ट जो हम लोगों ने मैनेज की है। और देख सकते हैं आप लोग, हमारी पूरी टीम लगी हुई है गौ सेवा में। एक डिवाइस पर बैठे हैं नंदी बाबा, देख सकते हैं आप लोग, उसमें रिफ्लेक्ट बेल्ट बांधने का देख रहे हैं हम लोग। देखते हैं क्योंकि बहुत सारे नंदी बाबा हमें रास्ते में मिले थे तो वो रिफ्लेक्ट बेल्ट नहीं बनवा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए बहुत सेफ्टी से भी कार्य करना पड़ता है। और ये हमारी टीम खड़ी हुई नगर प्रमुख जी, डिवाइडर बैठे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। साथ में रखते हुए उसको नजरों में रखते हुए काम करना है। अरे वहाँ बांधी दिखियो, ये बैठी, वहाँ बांधी, ये बैठी, ये बैठी, ये बैठी, पीछे जा पीछे। अरे रमेश भाई ओ, ये देखो, ये दरिया नगर चौराहे है। और आपको मैं लाइव कंडीशन बताऊंगा किस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं। ये देखिए, ये सबसे पॉज इलाका है यहाँ का, दरिया नगर चौराहे भी बोलते हैं इसको। और ये सामने देखिए, आप वो जानवर आपको नजर आ रहा होगा, नंदी महाराज, हर सेकंड में एक गाड़ी निकल रही है, मान के चलोगे। देखिए यही रीजन है एक्सीडेंट होने की। तो आपको मैं अपनी टीम के साथ रेस्क्यू भी दिखाऊंगा कैसे हमने उसको बाहर निकालेंगे। और दूसरा क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी ये जितनी भी गाड़ियाँ सामने से आ रही है, लाइटों से तो दिख रहा है, लेकिन क्या है कि शाम दूर से नहीं दिख रहा कि कुछ, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी रिफ्लेक्टर बेल्ट है नहीं गले में जिससे कि इसके रेडियम शाइन मारे दूर से। ये देखो, तो ये गौ रक्षा प्रमुख हैं रमेश भाई, ये एक टेक्निक से आपको बताएंगे। देखिए पहले इसको एकदम तुरंत अप्रोच नहीं करना है, और साथ में विवेक कश्यप है। गाड़ी में मूवमेंट बहुत है, अपना भी ध्यान रखना है क्योंकि सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। ये
ये चीज इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लगातार ट्रैफिक आ रहा है और यहाँ पे बेल्ट बांध दी गई है, रिफ्लेक्टर बेल्ट बांध दी गई है। अब ये एक सेफ कंडीशन में है नंदी महाराज जी, जय हो। चलो चलते हैं अब अगले कार्य के लिए। चलो जय हो। इसको भी उठा दो यहाँ से। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ये चीज इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लगातार ट्रैफिक आ रहा है। हमारे रमेश भाई भी इम्पोर्टेंट है, प्रमुख और अच्छा के प्रमुख हैं विद हिंदू प्रसिद्ध के। और देखो कितने बढ़िया प्रकार से इन्हें रिफ्लेक्टर बेल्ट गैया के बांध दिएगी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भैया जी। और सामने हम विवेक बॉडी बिल्डर खड़े हुए, इधर गौरव भाई देव भगया खड़े हैं। रमेश भाई किधर है? रमेश भाई जय श्री राम, जय श्री राम।